हेलो बच्चों, मैं अनुज सिंह आपका विद्याराम एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि अभी हम कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर में हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण की परिभाषा पढ़ी थी। फिर पढ़ा था हमने कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं, और उसके बाद उसमें ही हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में भी हमने समझा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः मेनली थ्री टाइप्स की होती है, तीन प्रकार की होती है। जैसे फर्स्ट टाइप क्या है आपकी, संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर सेकेंड होती है वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, फिर थर्ड आता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और इसी विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत हम इसके भी मतलब दो टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और सेकंड है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हमने मेनली थ्री टाइप्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे, और उस जो थर्ड टाइप का रिएक्शन है उसके अंदर भी हम दो टाइप के रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रिएक्शन देखते हैं। अगर हम क्या कहते हैं, बेसिक या कहते हैं ऑरली अगर समझे हम, तो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जैसे संयोजन, और देखो इंग्लिश में देख लो कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दो चीजें, ये जब रिएक्शन का नाम आप सुनो कम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपका माइंड में क्या थॉट आता है कि कुछ ना कुछ चीजें जुड़ रही होंगी। ठीक है, दो चीजें जुड़ रही होंगी, जब जुड़ती हैं तभी तो कंबाइंड बोलते हैं। तो इस रिएक्शन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है आपका, दो चीजें आपस में जुड़े, दो चीजें आपस में कंबाइंड हो, या दो क्या पदार्थ आपस में जुड़े और एक नया पदार्थ बना दे। ठीक है, एक ही पदार्थ बनेगा, इसकी कंडीशन यही है कि जब दो पदार्थ आपस में कंबाइंड हो और सिर्फ एक पदार्थ बने, तो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन मतलब क्या होता है, अलग होना। ठीक है, देखियो डीकम्पोजिशन मतलब कंपोजिशन का उल्टा क्या हो गया, डीकम्पोजिशन। कंपोजिशन मतलब जुड़ना होता है, डीकम्पोजिशन मतलब अलग होना होता है। तो इसका क्या होगा, जस्ट संयोजन का ये अपोजिट है। इसमें क्या होगा, जब कोई बड़ा पदार्थ टूट टूट कर दो या दो से अधिक क्या हो, उत्पाद में विभक्त हो जाए, तो क्या हो जाता है, ये वियोजन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो चलिए पहले इनके डिफिनीशन देखते हैं, फिर इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप्स है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, इस रिएक्शन के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जब क्या हो, द रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंस मीन्स टू एलिमेंट आर कंपाउंड, ठीक है, कंबाइंड टूगेदर एंड फॉर्म ए न्यू यूनिट प्रोडक्ट। मतलब जब क्या हो, दो क्या हो तत्व या यौगिक आपस में संयोग करें और सिर्फ एकल उत्पाद बनाए। क्या, एकल यूनिट मतलब एक ही उत्पाद बनाए, एक से अधिक उत्पाद नहीं। अभिकारक जो है, जो कंबाइंड हो रहे, वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, बट जो उत्पाद बने वो सिर्फ एक ही उत्पाद बने। मतलब क्या हो, दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कर। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक,
इसका अर्थ क्या समझ में आ रहा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो क्या है, जैसे जैसे हम क्या करें, ले लें अमोनिया ले लें, ठीक है, अमोनिया गैस ले लें, NH3 ले लें, और क्या ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें, HCl। ठीक है, हमने क्या लिया, अमोनिया गैस लिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। ये जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, NH4Cl बनाते हैं। ठीक है, NH4Cl मतलब ये क्या है आपका, अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस, और साथ में हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर क्या बना, ये अमोनियम क्लोराइड बना, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जब बनता है ना तो सफेद धुआं उठता है, सफेद धुआं। ठीक, तो देखिए हमने क्या देखा, जब ये देखिए यहां पे क्या है, अमोनिया और HCl मतलब अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में जुड़े और सिर्फ एकल एकल उत्पाद मतलब यूनिट प्रोडक्ट का निर्माण किया, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे हम एक एक एग्जांपल और देखें, जैसे हम एक एग्जांपल और देखें, दूसरा क्या है, जब क्या करें हम कार्बन का क्या करें, दहन करा दें, कार्बन का हम क्या करें, दहन करा दें, कार्बन का संयोग किससे करा दें, ऑक्सीजन गैस से करा दें, तो क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा, CO2 आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं इसको। तो हमने क्या किया, यहां कार्बन लिया, कार्बन लिया और कार्बन का हमने क्या किया, दहन करा दिया, जब दहन कराया तो क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी आपकी संयोजन अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल बन जाए। ठीक है, तो इसमें भी देखिए प्रूफ हो रहा है कि जब कार्बन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन क्या हुआ, आपस में कंबाइंड हुआ और एक उत्पाद का निर्माण किया, तो जब क्या हो, दो तत्व या यौगिक आपस में संयोग करें और एकल उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, आप लोग इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अभिक्रिया बताते हैं आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड टाइप्स, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन से हम क्या समझते हैं कि द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस, सब्सटेंस मींस यहाँ पे या एलिमेंट ले रहे हैं या कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, डीकम्पोज एंड फॉर्म टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट आर कंपाउंड है, डीकम्पोज एंड फॉर्म टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका अर्थ देखिए समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब क्या हो, वह अभिक्रिया जिसमें एक क्या हो, एक पदार्थ, जो पदार्थ क्या हो सकता है, तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, ठीक है, टूटकर टूटता है और क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब क्या हो, कोई देखो कोई बड़ा क्या हो, बड़ा पदार्थ हो, बड़ा पदार्थ क्या हो, टूटकर, टूटकर मतलब डीकम्पोजिट, डीकम्पोज करके क्या हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे, उत्पाद का निर्माण कर दे, तो क्या हो जाएगा, ऐसी अभिक्रिया क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आप देखिए समझ पे आया आपको कि जब क्या हो, कोई ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटे और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज बिना किसी बाह्य कारक के तो टूटेगी नहीं, इसका मतलब इसको डिकम्पोज होने के लिए
क्या होगा, इसके इसके टूटने के लिए तीन रीजन होते हैं। एक तो होता है ऊष्मीय प्रभाव, एक होता है प्रकाश, क्या कहते हैं, प्रकाश के वजह से अपघटन होता है, और तीसरा होता है विद्युत अपघटन के द्वारा। जैसे आप लोग आजकल देखते हो क्या होता है, एक डीजल इंजन होता है, जैसे व्हीकल की बात करें जो हमारे पास साधन उपयोग गाड़ियां वगैरह जो मार्केट में चलती हैं, उसमें आपने तीन प्रकार के इंजन देखे होंगे ना, कैसे होते हैं, एक तो आपका डीजल या पेट्रोल इंजन होता है, फिर दूसरा क्या होता है, आपने सोलर पैनल वाला भी देखा होगा, अब आगे चल के जो भी होगा सोलर पैनल वाले आएंगे, फिर तीसरा क्या है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी व्हीकल्स चल रहे हैं ना, तो जैसे वहां पे तीन टाइप्स हैं, वैसे वियोजन अभिक्रिया के भी तीन टाइप्स बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं, अगर हम देखा जाए इनका उपयोग कहाँ पे है भाई, देखिए कोई बड़ा पदार्थ कैसे टूटेगा, जब इसमें कोई ना कोई एक बाह्य कारक का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टाइप आपका क्या बनता है, जैसे हम देखें ऊष्मीय प्रभाव, मतलब कोई बड़ा पदार्थ को तोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मीय प्रभाव डाल रहे हैं, थर्मल इफेक्ट अगर हम कर दें, इसमें क्या डाल दें, इसको अगर बोला जाए तो बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए कोई बड़ा पदार्थ किस वजह से टूट रहा है, जब उसमें क्या करते हैं, ऊष्मा का प्रवाह करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कोई पदार्थ या कोई यौगिक ऊष्मा के द्वारा टूटता है, ठीक है, जब उस पदार्थ को क्या करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो क्या होता है वो अपने छोटे छोटे उत्पाद के रूप में विभक्त हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे क्या है आपका उदाहरण, इसमें हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, ऊष्मीय, इसमें हमने क्या किया, ऊष्मा प्रोवाइड की, ऊष्मा मतलब हमने इसको या तो आग जैसे कहते हैं ना नीचे से हीट प्रोवाइड कर देना, हमने क्या किया इसमें ऊष्मा प्रदान की, ठीक है, ऊष्मा प्रदान की, और ये किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, ठीक है। देखिए क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किए, ऊष्मा प्रदान किए, तो किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, एक बड़ा पदार्थ था टूटा और दो या दो से अधिक उत्पाद में विभक्त हो गया, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। फिर देखिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया ऊष्मीय प्रभाव के लिए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं प्रकाश प्रभाव, ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रकाशीय प्रभाव या प्रकाश अपघटन बोले, ठीक है, प्रकाश अपघटन, अपघटन, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइट, लाइट डिकम्पोजिशन, या हम बोलते हैं फोटोलिसिस, जो आपके जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना प्रकाश की उपस्थिति में, वही हम इसको बोलते हैं फोटोलिसिस बोलते हैं, फोटोलाइसिस, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको भी एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए इस अभिक्रिया में क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया था, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ भी एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ जैसे क्या है सिल्वर क्लोराइड हम ले लें, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का हमने क्या किया है, इसमें हमने प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमने इसमें डाला है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। जब हमने क्या किया, सूर्य का प्रकाश इसमें डाल दिया, कि क्या हुआ, ये 2Ag+Cl2, मतलब सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो गई, ये क्या गैस होती है ना, क्लोरीन गैस सभी आप लोग जानते होंगे, और ये सिल्वर आप जानते हैं, सिल्वर मतलब चांदी, ये क्या है आपका, चांदी, सिल्वर, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड में सूर्य का प्रकाश हमने डाला, तो क्या हुआ, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में विभक्त हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, सिल्वर जो आपका सिल्वर क्लोराइड था टूटा और सिल्वर और क्लोरीन गैस में विभक्त हो गया, ठीक है, ये आपका सेकेंड हो गया। फिर अब देखिए थर्ड देखते हैं, थर्ड जैसे देखें हम, थर्ड थोड़ा ऊपर देखते हैं, इसमें चलिए
नीचे स्पेस बचा नहीं है, ऊपर चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा होता है विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन, अपघटन इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए जब हम क्या करें, जैसे कोई बड़ा पदार्थ है, जब उसमें क्या करें विद्युत का प्रवाह कर दें और वो क्या करे छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटन कहलाएगी, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं पानी के क्षेत्र में, जैसे हम क्या करें दो मोल हम क्या करें 2H2O ले लिया और इसमें क्या किया विद्युत अपघटन करवा दिया, इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया, तो ये टूट गया आपका 2H2+O2 में, ठीक है। मतलब जब हमने क्या किया जल में विद्युत अपघटन करवाया तो किसमें विभक्त हो गया, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या था, एक जल जो था, जल का एक बड़ा अणु था, वो क्या हुआ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विभक्त हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया भी क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, समझ में आया। जैसे हम क्या करें एक एग्जाम्पल इसमें और देखें, 2KCl हम क्या कर रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड ले रहे हैं और इसका हमने क्या कराया इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया, तो क्या होगा इसमें क्या बनेगा 2K+ और आपका Cl2, ठीक है। यहां क्या बना पोटेशियम बना और क्लोरीन गैस बन गई, ठीक है, ये भी आपकी क्या कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा और उसके तीन प्रकार के अपघटन के बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट क्या था थर्मल इफेक्ट या थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर सेकंड था आपका क्या था वो फोटो सिंथेसिस या फोटोलाइसिस जिसको हमने बोला, फिर तीसरा क्या था आपका इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप के बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं बताते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं तीसरा टाइप क्या है, विस्थापन अभिक्रिया मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। इसके हमने बताए थे दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया मींस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसमें देखिए हम क्या समझते हैं कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल द प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक अधिक क्रियाशील धातु एक कम क्रियाशील धातु को से क्या हो रिप्लेस कर दे, एक जब एक अधिक क्रियाशील धातु क्या करे एक कम क्रियाशील धातु को रिप्लेस कर दे स्थानांतरित कर दे, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। जब क्या हो वह प्रक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या होती है कोई एक अधिक क्रियाशील मेटल क्या करे कम क्रियाशील मेटल को स्थानांतरित कर दे या विस्थापित कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। जैसे हम जैसे सिंपल से हम देखें कोई बेसिक एग्जांपल लेके चले, जैसे क्या था ए और क्या था इधर बी सी था, ठीक है। तो हो क्या कि ए क्या है यहाँ पे अधिक क्रियाशील है, ए आपका मोर रिएक्टिव है या फिर हाँ मोर रिएक्टिव, ए इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। और यहां पे क्या है बी इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो ए ने क्या किया है बी को रिप्लेस कर दिया है, कैसे रिप्लेस किया जब हम रिएक्शन देखेंगे तो बी के साथ क्या जुड़ा था ए जुड़ा वो सी जुड़ा था, तो इसने क्या किया बी को रिप्लेस कर दिया और सी के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। पहले सी किसके साथ जुड़ा था बी के साथ जुड़ा था, ठीक है, क्योंकि ए ज्यादा रिएक्टिव है जिसकी वजह से
क्या किया, सी को रिप्लेस करा दिया किसके साथ, इसका इसकी जो बी को किसके साथ रिप्लेस करा दिया, ए के साथ, क्योंकि ए क्या था, मोर रिएक्टिव था ना, ठीक है। तो यहाँ रिप्लेसमेंट किसका हुआ, ए का बी के साथ, क्यों, क्योंकि ए ज्यादा रिएक्टिव था बी की अपेक्षा, ठीक है। चलिए हम जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जैसे देखें, एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे हम क्या करें, एफ ई ले लें, आयरन ले लें, और सी यू एस ओ फोर ले लें, कॉपर सल्फेट ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन क्योंकि आपका मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और कॉपर की बात करें तो कॉपर आपका लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है, क्या करता है, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है। अब रिप्लेस करेगा तो किसके साथ, आयरन जुड़ जाएगा, कॉपर अलग चला जाएगा, आयरन आपका रह जाएगा साथ में। तो देखो ये क्या हुआ, आयरन शिफ्ट हो गया कॉपर की जगह पे और कॉपर आयरन की जगह पे आ जाएगा, तो क्या हुआ, सी यू अलग हो गया, एफ ई एस ओ फोर ये सल्फेट के साथ पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट समझ रहे ना, एक दूसरे का स्थान अदला बदली करना, एक तरह से अदला बदली करना, ठीक है। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, स्थान का अदला बदली कर लेना। तो यहां जैसे क्या हुआ था, ए ने बी के साथ अदला बदली की थी, वैसे यहां पे क्या किया, आयरन ने कॉपर के साथ अपना स्थानांतरण किया था, ठीक है। क्यों किया था, क्योंकि आयरन क्या था, कॉपर की अपेक्षा ज्यादा रिएक्टिव था, ज्यादा क्रियाशील था, इसके कारण क्या हुआ, अब आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस करा दिया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देखें, जैसे एग्जांपल क्या होता है, जिंक और कॉपर का, जैसे जिंक देखें और कॉपर सल्फेट देखें, ठीक है। तो ये अगर इसको भी देखें तो इसमें भी क्या होता है, जिंक क्या करता है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसके चलते क्या करेगा, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो जिंक की जगह क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, और कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, ठीक है। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल क्या करे, लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। आ रहे समझ में, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको रिएक्शन के बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आपका सेकेंड टाइप क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, द्विविस्थापन अभिक्रिया, मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम आपने क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, कि जब क्या हो, सिर्फ एक ही अभिकारक रिप्लेस करे, मतलब क्या कहता है, उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा था, एक ही मोर रिएक्टिव एलिमेंट था और एक ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा था। यहाँ क्या होगा, द रिएक्शन इन विच द टू कंपाउंड्स एक्सचेंज या रिप्लेस, ठीक है, आयंस टू प्रोड्यूस टू न्यू कंपाउंड। यहाँ क्या होते हैं, दो कंपाउंड होते हैं और अपने अपने आयन को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, किस वजह से, किस कारण, जिससे कि वो क्या करे, दो नए कंपाउंड का निर्माण कर सके, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज आयन, अपने आयनों को एक्सचेंज करते हैं टू प्रोड्यूस टू न्यू कंपाउंड्स, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कि जो भी आपके अभिकारक हैं, जो भी रिएक्टेंट्स हैं, उनमें क्या करते हैं, केटाइंस क्या करते हैं, इन आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब क्या है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, केटायंस क्या करें, अपने एनायंस का एक्सचेंज कर लें, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपसे एग्जांपल जैसे समझा जाए, क्या था, ए बी के साथ कनेक्ट है और प्लस बी प्लस सी डी के साथ कनेक्ट है, ठीक है, सी डी के साथ कनेक्ट है। फिर हो क्या, अगर हम क्या करें, ए को देखो क्या करें, ए को अगर तोड़े तो ए प्लस और बी माइनस के रूप में टूटेगा, ठीक है, ए प्लस बी माइनस के रूप में टूटेगा, और इसको अगर हम तोड़ें तो सी प्लस और डी माइनस के रूप में टूटेगा, ठीक है।
तो देखा जाए केटायंस क्या कर रहे हैं, अपने एनायंस को दूसरे एनायन के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये इसके साथ यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, एक इसके साथ जुड़ रहा है, डी के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, ए डी के साथ जुड़ रहा है और बी सी के साथ जुड़ जा रहा है, सी के साथ जुड़ रहा है। अब क्या बना रहा है, इसी का अगर ऊपर देखा जाए तो ए डी बनता है और बी सी बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, दो कंपाउंड्स ने क्या किया, अपने आयनों को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। ए ने बी को एक्सचेंज किया किसके साथ, डी के साथ, सी ने डी को किसके साथ एक्सचेंज किया, बी के साथ। तो जब क्या हो, दो कंपाउंड अपने आयन का एक्सचेंज कर ले, किस वजह से, जिससे कि दो न्यू कंपाउंड्स बन सकें, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल समझ रहे हैं, जैसे क्या दिया हो आपका जैसे सोडियम सल्फेट दिया हो, सोडियम बाई सल्फेट यानी टू एस ओ फोर दिया, ठीक है, एन ओ टू एस ओ फोर दिया हो, और क्या दिया हो, जैसे दिया हो बेरियम क्लोराइड दिया हो, ठीक, बेरियम क्लोराइड दिया हो, बेरियम क्लोराइड क्या था, सोडियम बाइसल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों कंपाउंड क्या कर रहे हैं, अपने अपने आयन का एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे इसको अगर हम तोड़ते तो किसमें टूटता, टू एन ए प्लस प्लस एस ओ फोर टू माइनस में टूटता, ठीक है। और अगर हम इसको तोड़े, इसको तोड़ते तो ये क्या होता, बी ए टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस में टूट जाता, ठीक है। तो अब देखो केटायंस एनायंस आपके सामने आ गए, अब क्या कर रहा है, केटायन क्या कर रहा है, अपने एनायंस को, ये देखो ये जो हमने डिफिनेशन लिखा इसके आधार पर चल रहा है, केटायंस क्या कर रहा है, अपने एनायंस को एक्सचेंज कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, सल्फेट को क्लोरीन के साथ एक्सचेंज कर रहा है। तो देखो अब क्या बन जाएगा उत्पाद, अगर इसके हिसाब से चले हम, तो देखो क्या बना, सोडियम क्या किया, एक्सचेंज किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, टू सी एल माइनस के साथ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, बेरियम ने क्या किया, क्लोरीन को एक्सचेंज किया था सल्फेट के साथ, बी ए टू प्लस को एक्सचेंज किया था सल्फेट के साथ, एसओ फोर टू माइनस साथ। और यही जब देखो दोनों आपस में कंपाउंड होंगे तो क्या बनेगा, टू एन ए सी एल, और इधर क्या बनेगा, बी ए एस ओ फोर बन जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि दो कंपाउंड क्या करते हैं, अपने आयनों का एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में कंपाउंड अपने आयनों का एक्सचेंज कर ले, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आया समझ में, ये देखो इससे, इस पूरे से ये वाला उत्पाद बना है, ठीक है, ये बने, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका इन पूरे से ये वाला उत्पाद बना, ठीक है। तो इस तरह से जब क्या हो, दो कंपाउंड अपने आयनों का एक्सचेंज करें और दो न्यू कंपाउंड बना दे, तो ऐसे क्या रखा हो, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आप लोग समझ में आया, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही मोर वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करते रहें, कमेंट्स भी करते रहें, जो भी क्वेश्चंस नहीं आते आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको जब भी समय होगा तुरंत आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा, और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।